माँ, ईश्वर का भेजा फरिश्ता। एक समय की बात है, एक बच्चे का जन्म होने वाला था। जन्म से कुछ क्षण पहले उसने भगवान से पूछा, मैं इतना छोटा हूँ, खुद से कुछ कर भी नहीं पाता, भला धरती पर मैं कैसे रहूँगा, कृपया मुझे अपने पास ही रहने दीजिए, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। भगवान बोले, मेरे पास बहुत से फरिश्ते हैं, उन्हीं में से एक मैंने तुम्हारे लिए चुन लिया है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। उद्धरण चिन्ह। बच्चे ने पूछा, पर आप मुझे बताए, यहाँ स्वर्ग में मैं कुछ नहीं करता, बस गाता और मुस्कुराता हूँ, मेरे लिए खुश रहने के लिए इतना ही बहुत है। भगवान बोले, तुम्हारा फरिश्ता तुम्हारे लिए गाएगा और हर रोज तुम्हारे लिए मुस्कुराएगा भी, और तुम उसका प्रेम महसूस करोगे और खुश रहोगे। बच्चा बोला, और जब वहाँ लोग मुझसे बात करेंगे तो मैं समझूंगा कैसे, मुझे तो उनकी भाषा नहीं आती। भगवान बोले, तुम्हारा फरिश्ता तुमसे सबसे मधुर और प्यारे शब्दों में बात करेगा, ऐसे शब्द जो तुमने यहाँ भी नहीं सुने होंगे, और बड़े धैर्य और सावधानी के साथ तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें बोलना भी सिखाएगा। बच्चा बोला, और जब मुझे आपसे बात करनी हो तो मैं क्या करूँगा? भगवान बोले, तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना करना सिखाएगा और इस तरह तुम मुझसे बात कर सकोगे। बच्चा बोला, मैंने सुना है कि धरती पर बुरे लोग भी होते हैं, उनसे मुझे कौन बचाएगा? भगवान बोले, तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें बचाएगा, भले ही उसकी अपनी जान पर खतरा क्यों ना आ जाए। बच्चा बोला, लेकिन मैं हमेशा दुखी रहूंगा क्योंकि मैं आपको नहीं देख पाऊंगा। भगवान बोले, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारा फरिश्ता हमेशा तुमसे मेरे बारे में बात करेगा और तुम वापस मेरे पास कैसे आ सकते हो बताएगा। उस वक्त स्वर्ग में असीम शांति थी, पर पृथ्वी से किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। बच्चा समझ गया कि अब उसे जाना है और उसने रोते रोते भगवान से पूछा, हे ईश्वर, अब तो मैं जाने वाला हूँ, कृपया मुझे उस फरिश्ते का नाम बता दीजिए। भगवान बोले, फरिश्ते के नाम का कोई महत्व नहीं है, बस इतना जानो कि तुम उसे माँ कहकर पुकारोगे। अगर आप माँ से प्यार करते हो और यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही और जानकारी के लिए और सनातन धर्म की कथाओं को सुनने के लिए हमारे गोडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।